खुश आमदीद नाजरीन, तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान ने बंजारा हिल्स में वाक़ अपने घर में सर में गोली मार कर खुदकशी कर ली। बताया गया है कि आज सुबह 10 और 11 बजे के दरमियान इन्होंने अपने लाइसेंस याफ्ता रिवॉल्वर से खुद के सर में गोली मार कर खुदकशी कर ली। फायरिंग की आवाज़ सुनकर घर वाले इनकी कमरे की तरफ दौड़ पड़े और देखा कि वो खून में लथपथ पड़े हुए थे। इन्हें फौरी तौर पर जुबली हिल्स के एक खानगी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। बता दें कि डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खान गुज़िश्ता कुछ अरसे से तनाव का शिकार थे। ज़राए ने बताया कि इनकी अहलिया ने इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर कर रखा था। मरहूम डॉक्टर साहब रोजनामा सियासत हैदराबाद के मैनेजिंग एडिटर जनाब जहीरुद्दीन अली खान के सगे भाई और सदर मजलिस व MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के समदी होते थे और वो ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सुपरिटेंडेंट भी थे। फिलहाल वाकये की इत्तला के साथ ही फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी फौरी तौर पर अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए वाकये की तहकीकात का आगाज कर दिया। डॉक्टर मजहरुद्दीन ने यह इंतहाई इकदाम किस लिए उठाया है, पुलिस इस मामले में बारीक बीनी से जाँच कर रही है और मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। इसी तरह की मजीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को YouTube पर लाइक करें और Facebook पर फॉलो करें। रायगर मोटी स्टार्ट आई हॉस्पिटल की राक मुंदुकु नालुगु गंटल मुंदुकु गन शॉट्स तो फायर చేసుకొని చనిపోయి ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రైమ ఫేసి చెప్పడం జరిగింది। ఈయన 60 ఇయర్స్ ఓల్డ్ డాక్టర్, తను లైసెన్స్ తో సూసైడ్ చేసుకున్నాడని ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు స్టేట్మెంట్స్లో చెప్పడం జరుగుతుంది। క్లోజ్ టీమ్స్ ఇప్పుడే దర్యాప్తు స్టార్ట్ చేశారు। పోస్ట్మార్టంలు కూడా టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్తో వీడియోగ్రఫీ చేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము। ఇంకా క్లూస్ అంతా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఏంటి రీజన్ ఏంటి అన్నది మాకు తెలుస్తుంది। ప్రేమ ఫేసి మాకు తెలిసిన ఏంటంటే ఆయన వెపన్తో ఈ షార్ట్ హింసెల్ లైసెన్స్ ఉంది ఆయనకి,